बजारो राम राम नमस्कार। हमारे बगल में एडवोकेट छोटेलाल वर्मा, जिला अधिवक्ता संघ के महामंत्री, ये भी झांसी से मेयर का टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें, जब से समाजवादी पार्टी के तिलक चंद अहिरवार जब से सपा छोड़ी उनने, तो झांसी के अंदर गर्मा गर्मी और तेजी से हो गई महापौर प्रत्याशी इनके लाल। तो वास्तव में ये भी काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, ये भी ऐसे सपा है पहले वकील साहब, और भाजपा में आकर काफी दिन से मेहनत कर रहा है, भाजपा से टिकट मांग रहा है, जानते हैं कि आखिरकार कब नकलू जावे होगो। वकील साहब, राम राम। सबसे पहले आपको और आपकी मीडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं है कि पार्टी है, पार्टी का जनादेश है, किसी को जाना है आना है ये पार्टी पदाधिकारी के ऊपर है। हमारा क्वेश्चन इतना है कि जो पार्टी निर्णय लेगी वो पार्टी बहुत ही सोच समझ के लेगी। अगर आप हमारे बारे में सोचना चाहते हैं तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, जिस प्रकार से विद्वान अधिवक्ता कहे जाते हैं, मैं अधिवक्ता होने के नाते और इस समय मेरे पास जो 5000 वकीलों का समूह है, 5000 वकीलों का परिवार है, कम से कम हमारे अधिवक्ता बंधुओं के पास में, एक अधिवक्ता के पास में कम से कम 100 फाइलें पत्रावली रहती है, 100 परिवार जुड़ा रहता है, और हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में अधिवक्ता रात दिन मेहनत करता है, चाहे वो ग्रामीण सेवा हो, चाहे शहरी सेवा हो, चाहे पुलिस प्रक्रिया से संबंधित हो, चाहे जमीन जायदाद से संबंधित हो, जो अच्छी जानकारी रखता है वो अधिवक्ता से अच्छी कोई जानकारी नहीं रख सकता है। और रही बात हमारे टिकट की, हमने पहले भी आपसे कहा है कि पार्टी के जो हाईकमान है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो भी इस कार्यकारिणी में जो बैठेंगे चुनावी कार्यकारिणी में, हमें उनका निर्णय मान्य होगा और उनके निर्णय पर हम जो भी जनादेश मिलेगा काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। हम इस समय जो आवाज आ रही है, हम हर जगह जा रहे हैं, चाहे हमारे किसी भी मोहल्ले में हम अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि इस समय जो झांसी के अधिवक्ता बंधु चाहते हैं, अन्य बुद्धिजीवी भी चाहते हैं कि जो भी अब की बार मेयर पद पर आए वो कम पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, अपनी बात को कम से कम सदन में रख सके, अपनी बात को हर जगह अपनी बात को रख सके कि हमारे जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे नागरिकों के साथ, हमारे नगरवासियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। अगर मान लो हमें कुर्सी अकेले पे नहीं बैठना है, हमें ग्राम नगरवासियों की समस्याओं का समाधान भी करना है। अगर नगरवासियों की समस्या का समाधान नहीं किया तो हमारा कुर्सी पे बैठना, हमारा चुनाव लड़ना, हमारे जो भी जो हम जन कल्याणी कार्य कर रहे हैं, अगर हमने उनको सही ढंग से नहीं रख पाया आम नागरिक के सामने, तो हमारा फिर ऐसी सेवा करना ही बेकार है। क्योंकि हम अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होने के नाते हम बखूबी जानते हैं कि हमें उनके अपने जो नगरवासी हैं उनकी पीड़ा के बारे में, उनके दुख दर्द के बारे में हम लोग बिल्कुल पल पल की जानकारी रखते हैं। छोटी से छोटी बड़ी सी बड़ी समस्या अधिवक्ता परिवार के पास आती है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है कि आज कचहरी में बैठे और 10-10 महीने बाद गायब हो जाएं। हम लोग प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं। आज हमें जो चुना गया है, हमारे सरल स्वभाव से, हमारे सरल व्यवहार से, इतने अधिवक्ताओं ने पहली बार, ऐसा नहीं है कि हमारे अहिरवा समाज के अधिवक्ताओं के साथ साथ यहाँ जो सर्व समाज के अधिवक्ता हैं उनका भी मुझे प्रचंड बहुमत मिला और मुझे अधिवक्ता संघ का महासचिव चुना गया है। मैं इसी के साथ में आपका, नगरवासियों का, अपने बुद्धिजीवियों का और जो भी हमारे हमारे पक्ष में विपक्ष में सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं।